आरएसएस के सीनियर लीडर इंद्रेश कुमार हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, एक बयान जो कि लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में है, उस बयान में एक शब्द है अहंकार। वो शब्द मैं जानना चाहूंगा कि वो जो अहंकार शब्द है आपके बयान में, वो किसके लिए है? ऐसा है, समय हर पल हर मिनट हर ये क्या नाम है घंटा हर दिन तेज गति से आगे दौड़ रहा है। तो एट प्रेजेंट का ये सच है कि जिन्होंने राम का विरोध किया और राम भक्तों का भी विरोध किया, वो आज सत्ता से दूर चले गए हैं। जिन्हों के मन में राम के प्रति श्रद्धा आस्था और भक्ति थी, वो आज सत्ता पर हैं। श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए, जिसका बीजेपी बड़ा पार्ट एंड पार्सल है, उन्होंने और वहां पर शपथ ग्रहण किया है। और शपथ ग्रहण करने के बाद सारे देश ने खुशियों का इजहार करते हुए कहा है। मैं आपके चैनल के द्वारा कहूंगा, देशवासियों को अपील करूंगा कि वह सब कंधे से कंधा, कदम से कदम, आवाज से आवाज मिलाकर एक नए भारत के निर्माण में आज की सरकार को सहयोग करें, ताकि कल का भारत विश्व दंगा मुक्त हो, जंग मुक्त होकर बुद्ध युक्त हो जाए, भारत दंगा मुक्त होकर भाईचारा युक्त हो जाए, और जो गरीब दुखी पीड़ित है उसके कल्याण में सारा देश जुट जाए, ताकि एक नए भारत को, छुआछूत मुक्त भारत को, प्रदूषण मुक्त भारत का निर्माण तेज गति से हो सके। विपक्ष आपके इस बयान को लेकर के काफी ज्यादा हमलावर है। ऐसा है, विपक्ष का काम है, वो तो शुरू से इस बात को भी बोलते रहे हैं कि महात्मा गांधी का मर्डर संघ के लोगों ने किया, जो इतने वर्षों में वो सिद्ध नहीं कर सके। जब भी इसको सिद्ध करने के बाद तो असत्य सिद्ध हुआ, इसलिए ख्याली पुलाव या झूठ घड़ना और फिर उसके कारण इश्यूज खड़ा करना, यह उनकी आदतन शौक हो गया है। इसलिए ख्याली पुलाव घड़ना और उन पर से देश में डिबेट बनाना, यह नहीं करना चाहिए। आपने जो बयान दिया उसमें था कि जो राम की भक्ति करते थे वो अहंकार में है, उनको शक्तियां जो है पूरी तरह से रोक दी, ये क्या माना जाए? ये बीजेपी के लिए था या किसके लिए? ऐसा है कि इंडिया अलायंस ने भी बार बार घोषित किया कि ये लो राम भक्त सत्ता में नहीं आएंगे, उनकी ये घोषणाएं किस गिनती में मानी जाएंगी? तो मुझे ये लगता है कि आज देश तेज गति से आगे बढ़ गया है, इन सब प्रश्नों को और पार करते हुए देश नए शिखर की ओर चलना चाहता है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि हम वर्तमान में जिए, ताकि भविष्य को जीत सकें। जो वर्तमान में नहीं जीते, बहुत ज्यादा देर भूतकाल में रहते हैं, उनका वर्तमान नष्ट हो जाता है, भविष्य मिलता नहीं है। इसलिए मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आओ सब मिलकर वर्तमान में जीते हुए भविष्य का निर्माण करें। क्या 400 पार का नारा देना बीजेपी के लिए नुकसानदायक हो गया माना जाए? बीजेपी के लोगों से आप पूछिए, वो अपना एनालिसिस करने में और उससे सबक सीखकर आगे बढ़ने में पूरी तरह से विश्वस्त भी हैं, योग्य भी हैं और शक्ति और सामर्थ्य भी रखते हैं, इसलिए वो इस प्रश्न का उत्तर आपको देंगे। अयोध्या में बीजेपी जो है वो हार गई, जहां राम लला का मंदिर आया, राम मंदिर को लेकर के पूरा चुनाव लड़ा गया, वहां पर भी बीजेपी जो है वो हार गई। ऐसा है कि वहां के राजनीतिक क्षेत्र के लोग, धार्मिक क्षेत्र के लोग पूर्णतया सक्षम है वे अपना एनालिसिस करने में, धैर्य से वे अपना एनालिसिस करें और वह आगे बढ़ने के रास्ते खोज रहे हैं। तो आने वाला समय कल फिर उनको इस तरफ प्रगति करते हुए देखेगा। क्या संघ और बीजेपी के अंदर जो आपसी मतभेद हैं, क्या माना जाए कि यही वजह है कि जो 241 पर बीजेपी आकर के रुक गई, क्या यही वजह थी? कि एक हाइपोथेटिक सोच है और हाइपोथेटिकल प्रश्न जो है वह हमेशा किसी कंक्लूजन पर नहीं आने देते, इसलिए ऐसे हाइपोथेटिकल प्रश्न खड़े करना और फिर उसमें से सच को जानने की कोशिश करना, इससे हमेशा भटकाव आता है। दीज आर ऑल आर हाइपोथेटिकल। बीजेपी और संघ में सब कुछ सही है? मैंने बताया कि ये सब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, देर इज नो एबनॉर्मेलिटी। क्या बीजेपी को आप कुछ आगे की तरफ मैसेज देना चाहेंगे? बीजेपी अपने आप में सक्षम है और देश को मैसेज दे रही है, दुनिया को भी रास्ता दिखा रही है, इसलिए
हमें उनकी सक्षमता पर विश्वास था, है और रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आरएसएस के सीनियर लीडर इंद्रेश कुमार, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिन लोगों ने भी लगातार ये बात करी कि वो सत्ता में आएंगे, प्रधानमंत्री सत्ता में नहीं आएंगे, उनका भी अहंकार जो है वो टूटा है।